हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल अर्चना स्पेशल डिज़ाइनिंग। आज का हमारा टॉपिक है प्लीट्स। व्हाट इज़ अ प्लीट, वो हम सीखने वाले हैं। उसी के साथ साथ उसके टाइप्स हम यहाँ पे जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक प्लीट्स। फैशन डिज़ाइनिंग में प्लीट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है टू मेक द फुलनेस इन टू द गारमेंट, और उसी के साथ साथ इनको यूज़ किया जाता है टू मेक द वेरिएशंस इन पैटर्न एंड टू मेक डिज़ाइनर कॉस्ट्यूम्स। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द प्लीट। A pleat, that is in older times it is known as pleat, is a type of fold formed by doubling fabric back upon itself and securing in one place. It is commonly used in clothing and upholstery together a wide piece of fabric to a narrower circumferences. सो इसका मीनिंग क्या है ना, प्लीट्स मतलब क्या होता है कि कपड़े का एक फोल्ड जिसको ऊपर के साइड में हम सिलाई कर लेते हैं, और उसी की वजह से क्या होता है, कपड़े का या ड्रेस का जो घेर होता है, फ्लेयर होता है, वो बढ़ जाता है। सो प्लीट्स जो होते हैं उनके टाइप्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ प्लीट्स। फर्स्ट टाइप इज़ बॉक्स प्लीट। सो हियर वी कैन सी द टाइप ऑफ प्लीट। बॉक्स प्लीट बनाने का यहाँ पे तरीका दिया है कि कैसे वो दिखता है। सेकेंड, उसका यूज़ किया गया है स्कर्ट्स में। बॉक्स प्लीट जो होते हैं, सो बॉक्स प्लीट्स आर मेड अप ऑफ टू नाइफ प्लीट्स। सो नाइफ प्लीट जो होते हैं, वन साइड में कपड़े को ऐसे फोल्ड करना, उसी को नाइफ प्लीट कहते हैं। लेकिन कपड़ा अगर हम एक साइड से फोल्ड करते हैं और उसी के दूसरे साइड से भी फोल्ड कर देते हैं कपड़े को, तो उसी को बॉक्स प्लीट कहा जाता है। सो इट इज़ टू sets of two box pleat, knife pleat, then it is facing away from each another. So एक दूसरे को opposite direction में जब knife pleat बनाए जाते हैं तो box pleat तैयार होता है। In other words, they are formed when two folds of fabric are folded away from each other, giving a wide vertical pleat. Okay, so box pleat जो होते हैं उनका use किया जाता है uniforms में mostly. सो यूनिफॉर्म्स हो गए या स्कर्ट्स बनाते हैं, मोस्टली ऐसे यूनिफॉर्म के जो स्कर्ट्स होते हैं, पिनाको कहते हैं उसे, तो उनमें वो यूज़ किया जाता है। उसी के साथ साथ शर्ट्स होते हैं, जेंट्स शर्ट्स, सो उसके बैक साइड में आपने देखा होगा, तो वहाँ पे भी ऐसी बॉक्स प्लीट यूज़ की जाती है। सो इनके हम प्रैक्टिकली वीडियोज़ देखने वाले हैं, तो आप सीख जाओगे कि कैसे प्लीट्स बनाते हैं। सो दिस इज़ द थ्योरेटिकल पार्ट फॉर द नॉलेज। ये बहुत इसेंशियल है, एंड उसी के साथ साथ आपकी जो थ्योरेटिकल एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो जस्ट रिमेंबर दैट इज़ अ बॉक्स प्लीट मीन्स व्हाट, इट इज़ अ टू सेट्स ऑफ नाइफ प्लीट, या तो फिर दो अपोजिट नाइफ प्लीट बनाने के बाद बॉक्स प्लीट तैयार होता है, और इनका यूज़ होता है इन द स्कूल यूनिफॉर्म्स या एनी फॉर्मल वेयर्स में, या यूनिफॉर्म्स में मोस्टली बॉक्स प्लीट यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट। सो इट इज़ व्हाट, सी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बॉक्स प्लीट का ही ये टाइप है, लेकिन उल्टे साइड से जो बॉक्स प्लीट दिखता है उसी को इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट बना कहते हैं। सो यहाँ पे ना ऐसे ट्रायंगल शेप्स दिखाई देते हैं, जैसे स्कर्ट का यहाँ पे जो इमेज आप देख रहे हैं। सो दिस इज़ द इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, बॉक्स प्लीट का उल्टा साइड, इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा। सो बॉक्स प्लीट बनाने के बाद उल्टे साइड से जो दिखता है उसी को इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है हमें, कपड़े के रॉन्ग साइड से आपको दो नाइफ प्लीट बना लेने हैं, तो सामने से आपको इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट दिखेगा। ओके, सो दिस इज़ द इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट। सो देर इज़ अ लिटल डिफरेंस बिटवीन अ बॉक्स प्लीट एंड इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट। इन फैक्ट दे आर द सेम थिंग, दोनों भी एक्चुअली सेम है। जस्ट क्या है ना कि रॉन्ग साइड से हमें इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट कहते हैं हम उसी को, और सामने से देखते हैं तो बॉक्स प्लीट कहा जाता है। द डिफरेंस इज वॉट यू सी ऑन द राइट साइड एंड वॉट यू सी इन द बैक साइड ऑफ द बॉक्स प्लीट। इट विल लुक लाइक एन इन्वर्टेड प्लीट एंड वाइस वर्सा। ओके, सो इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट जो होते हैं उनका यूज़ आपने देखा होगा कि टेनिस स्कर्ट जो होते हैं, मोस्टली टेनिस प्लेयर के जो स्कर्ट्स होते हैं उनकी डिज़ाइंस में आप ये इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट का यूज़ ज़्यादा करके देख सकते हो। ओके, सो दीज आर द इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ नाइफ प्लीट। सो नाइफ प्लीट जो होते हैं उनको छुरी की प्लीट भी कहा जाता है। छुरी जो होते हैं तो उसके जैसा ये दिखाई देता है। सो दिस इज़ द इन्वर्टेड बॉक्स नाइफ प्लीट।
ओके, सो नाइट प्लीट जो है उसके इमेजेस हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब कपड़े को एक ही डायरेक्शन में फोल्ड किया जाता है तो उसी को नाइट प्लीट कहा जाता है। तो फोल्ड्स जो है वो सभी एक साइड में, सब सारे जो फोल्ड्स होते हैं कपड़े के वो एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में हम जब फोल्ड्स करते हैं और ऊपर से सिलाई लेते हैं तो नाइट प्लीट तैयार होता है। और नीचे से हम देखेंगे तो उसके जो पॉइंट्स होते हैं, एजेस होते हैं, वो छुरी के जैसे दिखाई देते हैं, तो इसीलिए इसको नाइट प्लीट कहा जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज नाइफ प्लीट का यहाँ पर डेफिनेशन हम देख सकते हैं। नाइफ प्लीट अ शार्प नैरो प्लीट ऑन अ स्कर्ट, टिपिकली वन ऑफ मेनी फोल्डेड इन द सेम डायरेक्शन एंड ओवरलैपिंग ईच अदर। ये जो प्लीट बनाते हैं इसमें हमें ध्यान देना है कि सारे फोल्ड एक ही दिशा में होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में, पहला जहाँ पे लेते हैं तो दूसरा उसी साइड में, और उसी के साथ साथ पहला जो हम फोल्ड करते हैं उसके थोड़ा सा ऊपर ओवरलैप, मतलब उस सेकेंड वाला फोल्ड उसके ऊपर जाना चाहिए थोड़ा सा हाफ, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे हमें ओवरलैपिंग ये फोल्ड्स करते जाना है जैसे डायग्राम में दिखाया है वैसे। नेक्स्ट इज किक प्लीट। सो किक प्लीट जो होते हैं इन्हीं को फैन प्लीट्स भी कहा जाता है, सेम एज वी कैन सी हियर इन द गारमेंट कि मोस्टली टाइट बॉटम्स के जो गारमेंट होते हैं कि जहाँ पे मूवमेंट्स पॉसिबल नहीं होते हैं या कंफर्टेबल नहीं होते, तो वैसे गारमेंट्स में ये किक प्लीट यूज किए जाते हैं। सो मिनी स्कर्ट्स जो होते हैं, मिडीज जो होते हैं, उनमें ये प्लीट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पैटर्न्स क्रिएट भी होते हैं, इससे पैटर्न भी अच्छा लगता है। उसी के साथ साथ जब वॉक करते हैं, चलते हैं, तो उस टाइम में ये प्लीट्स होने की वजह से क्या है ना, गारमेंट कंफर्टेबल हो जाता है। सो दिस इज़ द कंफर्टेबल पर्पज़ के लिए किया गया प्लीट, और उसी को कहते हैं किक प्लीट, या उसी को हम कहते हैं फैन प्लीट। सो पेपर का जो पंखा हम बनाते हैं, फ़ैन बनाते हैं, उसी तरह से फ़ैन बना के ड्रेस को कट करके, देखो हर एक गारमेंट जो है वहाँ पे कट दिया गया है बॉटम में जहाँ पे आपको प्लीट चाहिए वहाँ पे, और फिर वो जो ट्रायंगल पार्ट हम बना लेते हैं, फ़ैन बना लेते हैं, जैसे पेपर का पंखा बनाया जाता है वैसे आप कपड़े का फ़ैन बना लो, सेम कलर का या अलग कॉन्ट्रास्ट कलर का फैब्रिक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और उसे वहाँ पे आपको क्या करना है, स्टिच कर लेना है। ओके, सो दिस इज़ द किक प्लीट। सो द किक प्लीट्स आर इन्वर्टेड प्लीट्स, और इसमें जो प्लीट्स लिए जाते हैं वो मोस्टली इन्वर्टेड प्लीट्स होते हैं, या हम नाइफ प्लीट जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उनका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ही ओवरलैपिंग होता है, मतलब सारे प्लीट्स जो है ओवरलैपिंग होने चाहिए एक के ऊपर एक। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट एक, लेकिन बाकी नीचे बहुत सारी प्लीट्स आती हैं। सो दिस इज़ द किक प्लीट। नेक्स्ट वन इज़, ये याद रखना है, किक प्लीट जो होता है वो स्कर्ट्स के या पैंट्स के वॉट एवर जो बॉटम वेयर है आपका, जो हम कमर से नीचे जो कपड़े पहनते हैं, जैसे कि स्कर्ट्स होते हैं, मोस्टली स्कर्ट्स में उन्हें यूज़ किया जाता है, या वन पीस मिडी है, शॉर्ट लेंथ का गारमेंट है आपने बनाया हुआ, मिडी जिसे हम कहते हैं, माइक्रो स्कर्ट्स होते हैं, उनमें कंफर्टेबल मोमेंट्स के लिए हम किक प्लीट्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अकॉर्डियन प्लीट्स। अकॉर्डियन का मीनिंग हमें यहाँ पर डायग्राम से पता चल जाता है, अकॉर्डियन प्लीट्स कैसे होते हैं। अकॉर्डियन का मीनिंग होता है, ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे हम हारमोनियम होता है पेटी जिसको हम कहते हैं, तो वो जिस तरह से उसके जो प्लीट्स आते हैं, फोल्ड्स आते हैं, उसी तरह से ये दिखाई देता है। अकॉर्डियन प्लीट्स जो होते हैं उनमें क्या है ना कि देखो, दो साइड से आपको क्या करना है, नाइफ प्लीट बनानी होती है, और सेंटर में वो पॉइंटेड इफेक्ट आ जाता है। इसको आइनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये प्लीट्स जब बनाते हैं तो इस्त्री करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो दिस इज़ द अकॉर्डियन प्लीट। सो द अकॉर्डियन प्लीट्स को हम देख लेते हैं यहाँ पे उसका डेफिनेशन। सो द अ सीरीज ऑफ परमानेंट फोल्ड्स ऑफ इक्वल विड्थ इन अल्टरिंग अपोजिट डायरेक्शंस मेड इन फैब्रिक, पेपर और अनदर मटेरियल। पेपर फैंस जनरली यूज एन अकॉर्डियन प्लीट। सी, पेपर फैंस जो होते हैं, पेपर का जो पंखा हम जब बनाते हैं तो उसमें जो हम प्लीट्स के जैसे बनाते हैं, एक ऊपर नीचे इस तरह से हम जो फोल्ड्स लेते हैं, उसी तरह से आपको कपड़े में करने हैं, फिर उनको प्रेस करना है, आइनिंग कर देना है, और ये जो फोल्ड्स होते हैं ये परमानेंट होते हैं, और इसी को कहते हैं अकॉर्डियन प्लीट्स। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लीट्स। अलग अलग टाइप के प्लीट्स होते हैं, और
इनका यूज़ आपको परफेक्टली करने को आना चाहिए। सो जब टाइप्स पता हो गए आपको, हमने जो अभी सीखे हैं, तो अलग अलग प्लीट्स आप यूज़ कर सकते हो। सो वाइल डिज़ाइनिंग यूज़ द डिफरेंट प्लीट्स, अलग वेरिएशंस आप क्रिएट कर सकते हो गारमेंट्स में, उसी के साथ साथ परफेक्शन आपको आता है। एंड ये जो नॉलेज हमने अभी देखा है दैट विल बी यूज इन द थेरोटिकल पार्ट। सो थियरी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो डायग्राम्स को अच्छे से देखो और ये सारी प्लीट्स के जो टाइप्स होते हैं उनको आपने क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली करके देखना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अर्चना फैशन डिज़ाइनिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक यू।